जौनपुर जिले के महारसगंज क्षेत्र स्थित चिल्ड्रन स्कूल ऑफ आर्ट दुगौली में सोमवार को प्रबंधक प्रदीप सिंह के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में बच्चों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। बदलापुर SDM अंजनी कुमार सिंह ने विद्यालय में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वृक्षारोपण कर बच्चों को उनसे होने वाले लाभ को बताया। अपने गांव घर में पॉलिथीन को बंद कर उससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया और साथ ही नशा मुक्त करने के लिए नशे का सेवन करने वाले लोगों को उसके दुष्प्रभाव व जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया। छात्रों ने पॉलिथीन मुक्त व नशे के सेवन से रोकने के लिए संकल्प भी लिया। वहीं कार्यक्रम के अंत में स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर प्रकाश डाला गया। युवा दिवस के रूप में मनाने जाने वाले दिवस के बारे में बच्चों को बताया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रबंधक प्रदीप सिंह ने SDM अंजनी कुमार सिंह को शॉल भेजकर स्वागत किया। इस दौरान सचिन आशीष, RP शिल्पा, स्वेच्छा नीरज, किरण पांडे, बबीता सहित छात्र छात्राएं मौजूद। विवेकानंद जी का जन्मदिन हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपके विद्यालय में मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। आपके विद्यालय में SDM सर आए थे, तो उन्होंने मतलब क्या बताया कि आगे क्या करना है आपको? जो है आगे हमको अच्छे काम करने चाहिए और बड़ों से अच्छे काम को सुनना चाहिए। जैसे ये युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो उनकी क्या एक्टिविटी थी, मतलब किस चीज़ पर वो डिपेंड किए, मतलब कि आगे आपको जो है युवा के रूप में क्या करना है क्या नहीं करना है? हमें अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम इन द सेंस जैसे कुछ बताएंगे? जैसे आपके यहाँ वृक्षारोपण हुआ था, यस सर, उस पर SDM साहब क्या बोले कि जो है कि उसको आपको देखना है, निगरानी करना है, अगर वो बढ़ गया तो भी एक तरह का जो एक्टिविटी है। यस सर। तो उस तरह से मतलब क्या क्या आप करना चाहते हैं? पॉलिथीन को रोक लगानी चाहिए और वृक्षों को भी लगाना चाहिए और इत्यादि चीज़ों को, अंगूर के पान को अगर कोई खाता है तो उसको भी रोकना चाहिए। ठीक। अपना नाम? मेरा नाम हर्षिता मिश्रा, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आज क्या विद्यालय में आपको मनाया गया बताएंगे? आज हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। युवा दिवस क्यों क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हुआ था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और SDM साहब आए ने क्या आपको क्या बताया, कुछ आप बताएंगे? SDM साहब आए थे, वो बताए थे कि हमें अपने अंदर अच्छे विचार रखना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए और अगर कोई कुछ गलत काम करता है तो हमें उसे रोकना चाहिए और अच्छे विचारों के बारे में बताना चाहिए। गुड। बच्चों को क्या संदेश आप दीजिए? आज चिल्ड्रन स्कूल ऑफ आर्ट्स महाराजगंज में हम लोगों ने नेशनल यूथ डे के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किया और बच्चों को हम लोगों ने यही सीख देने की प्रयास किया है कि वो अपने जीवन में एक अच्छे विचारों को उतारें और उस अच्छे विचारों के लिए सतत प्रयास करते हुए स्वयं में और स्वयं के साथ साथ देश के विकास के लिए अपना योगदान दें। और कुछ बच्चों को जैसे मान लीजिए कुछ चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कुछ? मैं चैनल के माध्यम से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उसको केवल अपने तक न रखते हुए उसके असली मर्म तक हम लोग पहुँचें और उसे समाज के विभिन्न उन स्थानों तक पहुँचाने का प्रयास करें जहाँ पे वो पढ़ाई लिखाई या इन चीज़ों से लोग वंचित हैं, तो उस तक पहुँचाने का भी हम प्रयास करें। और बच्चों में आपको कैसा लगा यहाँ पर स्कूल में? यहाँ दरअसल यहाँ स्कूल में आके, चूँकि मतलब कि मैं पहली बार नहीं आया हूँ, इसके पहले भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम में आया था, तो चूँकि यहाँ आता हूँ, बच्चों के बीच में रहता हूँ, यहाँ के प्रबंधक जी भी अपने स्तर से काफ़ी प्रयास करते रहते हैं, तो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लगा। और वृक्षारोपण भी किए थे, पौधा भी आप कितना बड़ा होगा आप देखें उसमें, आपको कैसा अनुभूति हुआ? जी, अनुभूति तो बहुत ही अच्छा रहा, चूँकि मतलब है कि जब एक वृक्ष लगाते हैं और पता है हम लोग के पास उतना समय नहीं था कि उसकी सेवा से शुरू कर सकें, पर चूँकि यहाँ देखा और पौधे के विकास में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, तो उसे देख के काफ़ी मन प्रफुल्लित।